हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आ गए हो आप मेरे एक नए वीडियो में। और मैं आदित्य आपको आज बताऊंगा एक ऐसा टॉपिक जो आप मिस नहीं करना चाहोगे। और वो टॉपिक मैंने अपने चैनल पे कभी कवर नहीं किया। आपने बाकी चैनल्स वालों ने सबसे सुना है, इंग्लिश में वीडियोस भरे पड़े, हिंदी में भरे पड़े हैं, लेकिन आपने मुझसे नहीं सुना, किसी प्रोफेसर से नहीं सुना। इंग्लिश में सुना होगा, कॉलेज में सुना होगा, और आपने टर्म भी सुनी होगी, लेकिन होता क्या है शायद आपको ये ना पता हो। पता भी होगा तो समझ में ना आया हो, अगर समझ में आया है तो बल्ले बल्ले। तो ये मेरा चैनल है सी फॉर योर सेल्फ। ये मिस्टर सौरव गांगुली मेरे बारे में काफी तारीफें कर रहे हैं, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब, हिट द सब्सक्राइब। हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके बाद आपका बेल आइकन प्रेस करने का ऑप्शन भी आ जाएगा, तो जरूर कर देना भाई। और मेरे वीडियोस देख लो। देखिए, मेरे एक और चैनल है, आपको दिख जाएगा। मैं इसको पकड़ लेता हूँ। देखो, ब्लेस एंड ब्लेस दिख रहा होगा, राइट? इसको भी सब्सक्राइब कर लो, ये मेरे मेडिटेशन चैनल है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि टेंशन तो मैं ही दे रहा हूँ ना आप लोग को, बहुत पढ़ा पढ़ा के पागल कर रहा हूँ, तो उस पढ़ाई से बचने का तरीका यही है। पढ़ाई भी हो जाएगी, समझ भी आ जाएगा, माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा। म्यूजिक सुनिए, मैं ही आपको म्यूजिक भी दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ। तो ये मेरा अटेम्प्ट है, 925 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, 12 वीडियोस आ चुके हैं। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज जरूर देखना, राइट? तो अगर ये बातें सारी हो गई हैं तो लेट्स रोल द इंट्रो। लेट्स स्टार्ट। कैसे हो आप लोग? काफी लंबे समय बाद में वीडियो लेकर आ रहा हूँ, और मैं आज वो टॉपिक पकड़ना चाह रहा हूँ जो आप लोग काफी सुनते आ रहे हो, लेकिन मैंने अपने चैनल पे अभी नहीं बताया, राइट? मैं टॉपिक ला रहा हूँ मशीन लर्निंग का। और मशीन लर्निंग सिर्फ ये नॉर्मल बोरिंग लेक्चर नहीं होगा, ये कोई मैं पीपीटी नहीं दिखाने वाला, पर इस लेक्चर में मैं आपको मशीन लर्निंग यूजिंग पाइथन बताऊंगा। वेट 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 वेट, ऐसा मत सोचना कि वो नंपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, नहीं, वो पुरानी बात हो चुकी है। मैं अब आप लोगों को बताऊंगा कुछ ऐसी चीज पाइथन में, सिर्फ 3 लाइंस ऑफ कोड के अंदर आप रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, इनके 20 या उससे ज़्यादा एल्गोरिथम्स का एक साथ एक्यूरेसी स्कोर या जो भी उनके स्टैट्स आते हैं वो आप देख सकते हैं, जिससे कि जिस डेटा सेट पर काम किया जा रहा है उस डेटा सेट के हिसाब से कौन सी एल्गोरिथम बेस्ट है। ओके, आपने शुरू कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम करते हैं। मैंने यहाँ पर अपने ओपन कर लिया है, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या मशीन लर्निंग। पहले हम देखते हैं मशीन लर्निंग चीज़ है क्या, और इसको एकदम आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। सो मैंने अपने यहाँ पर ओपन बोर्ड मैंने ओपन कर लिया है। सो अब हम देखते हैं, मैं इसको व्हाइट कर देता हूँ, व्हाइट थोड़ा सही लगेगा, है ना? डार्क थोड़ा अजीब लगेगा, हो सकता है सही ना लगे, तो मैं अभी इसको व्हाइट ही रखा है। ओके देन, तो मेरा पेन रेडी, मेरा मार्कर कहाँ गया? ये रहा मार्कर। ओके, मार्कर ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मशीन लर्निंग की, राइट? अब मशीन लर्निंग क्या बला है भाई, जरा इसके बारे में जरा समझने का प्रयास करें। मशीन लर्निंग को अगर समझना है, मैंने आपसे भी शब्द कहा था डेटा, डेटा सेट कहा था, उस डेटा सेट में जो शब्द इंपॉर्टेंट है वो है डेटा। डेटा तो आपने पढ़ा होगा, डेटा है क्या? एक जानकारी है। कंप्यूटर के टर्म्स में जो जानकारी जिस यूनिट में जिस तरीके से स्टोर होती है वो हमारा बाइनरी डिजिट होता है, बिट, जिसे हम कहते हैं बिट, राइट? ये तो आपको पता ही है, बाइनरी डिजिट। तो बाइनरी डिजिट का ही शॉर्ट फॉर्म हमारा बिट आता है, राइट? बी का, बाइनरी का बी, डिजिट का इट, दोनों मिलके बन गया बिट, राइट? अब इसी बिट से बनते हैं बाइट्स, और इसी से हमारे बनते हैं किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स, पेटाबाइट्स, एंड सो ऑन। आगे याद नहीं आ रहा यार, तुम लोग बता देना कमेंट सेक्शन में, बताओ इसके आगे कौन कौन से आएंगे और ये कितनी क्वांटिटी होती है, राइट? हाँ ठीक है, ओके। तो डेटा हो गया हमारे, डेटा का ये मापने का तरीका हो गया क्या, कितना बड़ा है डेटा मेरा। लेकिन डेटा हमारा कुछ प्रकार का होता है, ठीक है? कुछ इसके टाइप्स होते हैं। तो क्या टाइप्स हैं यहाँ पर, जरा हम इसको ध्यान रख देते हैं, जरा कौन से टाइप्स है। अब डेटा मेरा प्रमुख तौर पर, प्राइमरीली तौर पर मेरा दो प्रकार का होता है।
पहला डेटा जो होता है मेरा वो होता है इस प्रकार से कि पहला होता है स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। आप पूछो के बोलोगे यार सर ये क्या लेकर आ गए, जिसे पता होगा वो मेरी बात समझ गया, जिसे नहीं पता कोई बात नहीं आप मेरे पास हो, राइट। तो स्ट्रक्चर्ड क्या होगा, स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे सीधे सीधे आता है कि रोज और कॉलम्स राइट, या टेबल्स कह सकता हूँ मैं। अगर मेरा डेटा टेबुलर फॉर्म में है, रोज और कॉलम्स रेक्टेंगुलर फॉर्म में, रोज एंड कॉलम्स के अगर उसमें रूप में डेटा है मेरा टेबल के फॉर्म में है, तो वो मेरा हो जाएगा क्या, स्ट्रक्चर डेटा। और जो नहीं है, ये तो है तो स्ट्रक्चर्ड, नहीं है तो अनस्ट्रक्चर्ड। चलिए मुझे ये बताइए, व्हाट्सएप आप लोग सब यूज़ करते हैं राइट, और व्हाट्सएप जब आप यूज़ करते हैं तो आप उसमें क्या क्या भेज सकते हो। मेरे ख्याल से व्हाट्सएप में हम कुछ इस प्रकार के भेज सकते हैं, क्या क्या भेज सकते हैं, एक तो हम चैट तो हम करते हैं जो हमारे टेक्स्ट के फॉर्म में होता है राइट, फिर हमारा इसमें हम डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, कोई भी होगा, पीडीएफ हो गया, एनी फाइल, कोई भी हम फाइल भेज सकते हैं, पीडीएफ, इवन आप जेपीजी जो फाइल्स होती है वो भी भेज सकते हो, जो MP4 फाइल्स होती है वो भी ऐसे डॉक्यूमेंट भेज सकते हो, एक फाइल के तौर पे जाएगा वो, डॉक या फाइल के तौर पे होगा, सिर्फ अटैचमेंट होगा, एनी फाइल, एनी फाइल, तो ये सिर्फ अटैचमेंट हो गया आपका। देन आपके पास और चीज़ आती है, लोकेशन आप शेयर कर सकते हो अपनी, आजकल तो पेमेंट भी आता है, पेमेंट की बात तो मैं अभी नहीं करने वाला, पेमेंट का फंडा ही अलग है, क्योंकि वो पेमेंट गेटवे से कनेक्ट होता है, आपका UPI से कनेक्ट होता है, तो वो डेटा एक्सचेंज नहीं हो रहा, वो आप पे करने का देख रहे हो, आप थर्ड पार्टी सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हो। तो जो व्हाट्सएप है उसके लिए थर्ड पार्टी सर्विस क्या है, UPI, UPI हमारा भारत का है, व्हाट्सएप बाहर का है राइट, तो अच्छी बात है कि व्हाट्सएप हमारी सर्विस इस्तेमाल कर रहा है हमारे तरीके से हमारे देश में, तो अच्छी बात है, यह जय हिंद। सो लोकेशन हो गया हमारे पास, और क्या क्या शेयर कर सकता है बताओ, और हमारे पास जो बचा कहाँ गया भैया, मेरा पेन गायब हो जाता है, ये रहा। तो अब और क्या क्या शेयर कर सकता है, और कर सकता है फोटोज, यस आप लोग फोटोज खूब भेजते हो, मीम्स भेजते हो, हाँ फिर वीडियोस भेजते हो है ना, और क्या क्या भेजते हो भाई, हैं अरे ऑडियो भी तो भेजते हो, चाहे वो आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग ही क्यों ना हो, कई बार बड़ा मन नहीं करता है रिकॉर्ड करके भेज दिया, अरे भाई परेशान मत कर, अरे सोने दे, या गर्लफ्रेंड की बातें जो हो रही होंगी बस अपनी बातें उसमें भेजे जा रहे होंगे राइट। तो आप इस तरह से शेयर कर सकते हो। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, इनमें से कौन सा डेटा है, ये मैं दो भाग क्यों बना रहा हूं मैं बताता हूं आपको, इनमें से कौन सा ऐसा डेटा है जो स्ट्रक्चर्ड कहलाता है, और कौन सा ऐसा है जो अनस्ट्रक्चर्ड है, मतलब जो टेबलर फॉर्म में नहीं आ सकता। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये जो चैट है मेरा जो टेक्स्ट फॉर्म में आता है, कभी आपने अपने किसी फ्रेंड की चैट को किसी और को भेजा है, या अपनी चैट किसी और ग्रुप में होगी तो वही का वही आपने एज इट इज चैट्स आपने सेलेक्ट की और फॉरवर्ड कर दिया सीधा, या कॉपी कर किया और आप पेस्ट कर रहे हैं, तो क्या क्या आता है उसमें, तो उसमें आपके पास आता है डेट, टाइम, और क्या आता है, और किसने भेजा, हु सेंट इट, ठीक है यही आता है, और क्या भेजा, व्हाट डिड यू सेंड, या व्हाट वाज द कंटेंट ऑफ द मैसेज, जो उस चैट में कंटेंट क्या था, मतलब कंटेंट, तो किसने भेजा, मतलब सेंडर राइट। तो डेट, टाइम, सेंडर और कंटेंट, तो आप मुझे बताइए क्या आपकी या किसी की भी हर चैट का अगर मैं ब्यौरा निकालूं तो क्या ये टेबल के फॉर्म में नहीं बन सकता, हर चैट का डेटा, डेट, फिर टाइम, और फिर हमारा आ गया सेंडर और मैसेज, मैसेज बोलो या कंटेंट बोलो कि मैसेज क्या भेजा, तो ये क्या मेरा इस तरीके से नहीं बन सकता टेबल के फॉर्म में, बन सकता है बिल्कुल, तो ये भी बन सकता है। डॉक्यूमेंट देखिए, क्या डॉक्यूमेंट का कोई भी आप जो पीडीएफ
फाइल भेज रहे, पीडीएफ भेज रहे, वर्ड भेज रहे, पीपीटी भेजते हैं आप, है ना, और ये सब चीज़ें भेजते हैं, राइट। हर इस फाइल का जो डॉक्यूमेंट के या अटैचमेंट के थ्रू जा रहा है, उसका कोई ना कोई टाइप होगा, कि वो पीडीएफ है, डीओसीएक्स है, पीपीटीएक्स है, एक्सेल फाइल है, जिफ है, MP4 है, MP3 है, एनी अटैचमेंट, तो उसका टाइप होगा, उसका साइज होगा। तो इस डॉक्यूमेंट के केस में अगर अपन देखें, इसका टाइप, साइज, डेट ऑफ क्रिएशन कब बना है, इसे हम कहते हैं डेटा अबाउट डेटा, ये डेटा भेज रहे हो ना अभी तो से, तो इसको हम मेटा डेटा भी कहते हैं, डेटा अबाउट डेटा। देखिए मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, डेटा अबाउट डेटा। अच्छा बच्चों, हो सकता है कि ये जो मैं पीछे लिख रहा हूँ, मेरे पीछे लिख रहा हूँ डेट टाइम सेंडर, तो मैं हट जाता हूँ, देखो अब दिख रहा है, हाँ तो बता देना मुझे अगर नहीं दिख रहा हो तो, ठीक है, कैसे बताओगे, रियल टाइम तो बता नहीं सकते, चलो किसी दिन लाइव आऊँगा तो पता लगेगा, मैं वापस अपनी जगह पर आ जाता हूँ। ओके देन, अब मैं ध्यान रखूंगा कि यहाँ का मैं ध्यान रखता हूँ, मैं काम कर रहा हूँ इसके, अब जो नेक्स्ट में बनाऊंगा ना, तो उसमें मैं मार्जिन्स बना देता हूँ ताकि दिक्कत ना रहे, है ना। ओके पहले ज़रा मैं ओबीएस से चेक कर लूँ कि मेरा सही दिख रहा हूँ कि गलत दिख रहा हूँ, क्या दिख रहा हूँ भाई। ठीक तो दिख रहा हूँ यार, हाँ अब ठीक है, हाँ ठीक दिख रहा हूँ यार, अगर मैं इसको हटा दूँ, हाँ इधर से, हाँ इधर से डेट टाइम दिख रहा है आपको, और इधर ये भी दिख रहा है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, पता लग गया आपको मैं ओबीएस से करता हूँ रिकॉर्ड, ठीक है। ओके वैसे यूट्यूबर्स बताते नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं आम यूट्यूबर नहीं हूँ, कुछ खास हूँ। ओके देन, ओके तो ये तो हमारी बात होगी स्ट्रक्चर्ड डेटा की, कौन कौन से हो गए, आपका लोकेशन, लोकेशन भी स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, कितने डिग्री ईस्ट, कितने डिग्री वेस्ट, कितने डिग्री साउथ, कितने डिग्री नॉर्थ, राइट, इस तरह से कि नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन भी आ सकती है, डिग्रीज आपकी हो गई लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बेस पे, ठीक है, तो ये आपको पता है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर डेटा, मतलब आपका जो जो मैंने यहाँ मेंशन किया ये चीज़। ओके ये क्या बन गया, इसको हटाते हैं, तो मैं इसको अलग से कलर से देता हूँ, तो ये जो मेरा बन गया, ये मेरा बन गया स्ट्रक्चर डेटा, और जो बाकी जो है जो नहीं आ सकता इस फॉर्मेट में, फोटोज वीडियोज और ऑडियो के तरह से अगर आप भेजेंगे इसको, तो वो होगा अनस्ट्रक्चर्ड। क्या ये बात क्लियर होगी, हाँ क्लियर तो हो गए बच्चों। ओके चलो ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट वन। ओके तो मैंने अभी आपसे बात की एक तो स्ट्रक्चर डेटा की, स्ट्रक्चर्ड की जो कि हमारा टेबलेटेड डेटा हो गया, ठीक है, ये तो आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा, व्हाट्सएप का बेहतरीन एग्जाम्पल दिया है ना यार, अगर आए हो तो लाइक तो बनता है इसके ऊपर, अगर पसंद आया तो अभी लाइक कर दो, नहीं तो ये लाइक किए बिना चल जाते तुम लोग यार, बहुत दुखाते हो यार तुम लोग। ओके लेट्स मूव ऑन, अनस्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, अब अनस्ट्रक्चर्ड कौन से हो गए, जो टेबलेटेड नहीं होते, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, नॉन टेबुलेटेड डेटा, हाँ ये टेबलेटेड हो गया, ये हो गया नॉन टेबलेटेड, मतलब जो टेबल के फॉर्म में नहीं आ सकता। अब असली बात आती है, अभी तो मैंने डेटा का टाइप बता दिया, बात क्लियर है, चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं एआई की। एआई क्या होता है हमारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप लोगों ने मेरी एआई वाली वीडियो देखी, पाइथन प्रोग्रामिंग, वो लड़की एआई है, उसकी आवाज एआई है, एवरीथिंग, बस मुझे उसको स्क्रिप्ट देनी थी और उसने बोल दिया, काम खत्म, तो मैं रोबोट से काम कराऊंगा क्या करूं, अब मैं तो इतना वीडियो ला नहीं पा रहा हूं, तो किसको भेजूंगा, एआई को भेजूंगा, जो एआई जाओ सी फॉर योरसेल्फ को चलाओ। वो भी सकता है, राइट। तो एआई क्या होता है, एआई हमारा होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये चीज होता है कि मेरा अगर मैं कोई काम करना स्टार्ट करूं, तो उसको मैं कहता हूं कि भाई हर
कोई टास्क को स्टार्ट करने के स्टेट को मैं कहता हूँ स्टार्ट स्टेट। अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना तो स्टार्ट करूँगा कहीं से, या मुझे कोई काम शुरुआत करनी है तो स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वो मेरा होगा स्टार्ट। अब उस टास्क को मुझे फिनिश करना है, टास्क फिनिश करना है, तो वो मैं एक गंतव्य तक पहुंचूंगा अपना, जो मेरा गंतव्य होगा दैट विल बी फिनिश लाइन। फिनिश लाइन होगा उसको मैं कहूंगा गोल स्टेट। तो एआई चूंकि हमारे ब्रेन्स को ही ध्यान में रख के बना है, ठीक है, हम जैसी अप्रोच कैसे रखते हैं, हम रखते हैं कि हमारा कभी भी कोई सीधा सीधा रास्ता नहीं होता। अगर मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो मैं कभी सीधा स्ट्रेट रास्ता कभी नहीं पकड़ूंगा, फास्टेस्ट रास्ता नहीं पकड़ूंगा। अगर मुझे जीपीएस पे देख लिया कि भाई गूगल मैप्स पे देख लिया मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, तो मैं क्या प्रेफर करूँगा, मैं एज ए ह्यूमन ये प्रेफर करूँगा कि मैं अपने गंतव्य तक, अपने डेस्टिनेशन तक, अपने गोल स्टेट तक बिना किसी रुकावट, मतलब बिना ट्रैफिक जाम के, बिना गाड़ी रुके आराम से पहुँचूँ और समय पे पहुँचूँ। समय पे तो खैर बहुत कम लोग पहुंचते हैं, हमारा हम लोग इतने बढ़िया हैं हम इंसान, हाँ, कि हम जल्दी में तो हमेशा रहते हैं पर समय पे नहीं पहुंच पाते। तो ये एक इंसाइट आपको दे रहा हूँ। तो मुझे ए से पॉइंट बी तक जाना है, स्ट्रेट रास्ता नहीं चुनूंगा, मैं क्या चुनूंगा, कुछ ऐसा रास्ता चुनूंगा जो ऑप्टिमाइज्ड होगा मेरे हिसाब से। ऑप्टिमाइज का मतलब ज़रूरी नहीं है कि लेस टाइम हो। लेस टाइम तो चलो ठीक है, लेस टाइम ज़रूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, ठीक है, लेकिन हाँ ये ज़रूर चाहूँगा कि मोर कन्वीनियंट, मैं कितना आरामदायक अपने सफ़र को बना सकता हूँ या अपने काम को आरामदायक बना सकता हूँ, कि वही मैं अगर मैं काम कर रहा हूँ तो काफ़ी मुझे कोई तकलीफ़ ना रहे उसको वो काम करने में, मुझे कोई परेशानी ना हो, मुझे जल्दी नहीं करना, मुझे आराम से करना है। तो एआई जो है वो इसी अप्रोच को लेकर चलता है, इसी के कई एल्गोरिथम्स है एआई की आपकी, ठीक है, और इसी एआई से हमारे पास आया है, इसी का सबसेट मान सकते हैं आप, इसका सबसेट आया है मेरे पास ML। मैं आपको वेन डायग्राम से बता देता हूँ, ये मेरा एआई है, इसके अंदर है ML और इसके अंदर है DL। अब DL क्या बोला है भाई, ML तो हो गया मशीन लर्निंग, राइट, और इसके अंदर क्या आता है हमारा सबसेट DL। DL क्या हो गया, डीप लर्निंग, ये आपने सुना होगा डीप लर्निंग, है ना, क्या करता है डीप लर्निंग, देखो अब ध्यान से देखो, मैं देखो यहाँ पर फिर जोड़ रहा हूँ, मैच ऑफ कॉलिंग करते हैं ना, स्ट्रक्चर को मैं जोड़ रहा हूँ किससे, मशीन लर्निंग से, और अनस्ट्रक्चर्ड को मैं जोड़ रहा हूँ डीप लर्निंग से। थोड़ा मैंने वेवी जैसा बनाया ताकि आपको समझ में आ जाए मैं किससे जोड़ना चाह रहा हूँ। तो मशीन लर्निंग हमेशा टेबुलेटेड डेटा, मतलब स्ट्रक्चर डेटा पे काम करता है, ठीक है, मशीन लर्निंग हमेशा स्ट्रक्चर डेटा पे, मतलब वो डेटा जिसको रोज और कॉलम्स में बिठाया जा सकता है उस पे काम करता है, जैसे कि आपको मैं व्हाट्सएप का एग्जाम्पल दिया था। डीप लर्निंग क्या करता है, देखो डीप लर्निंग करता है क्या, अनस्ट्रक्चर डेटा पे काम करता है। एग्जाम्पल्स दो, फेमस एग्जाम्पल गूगल असिस्टेंट आपके फोन्स में है, आप ओके गूगल बोलेंगे तो शुरू हो जाएगा, आई थिंक मेरा फोन भी शुरू हो जाएगा, देखो ओके गूगल रिस्पॉन्ड कर दिया। अगर मेरे पास आईफोन भी है तो आईफोन के अंदर आपका हे सिरी आता है, मेरा फोन अब दूसरे कमरे में होगा आईफोन तो सुन नहीं पाई बेचारी, ठीक है, ऐसे आपके पास एलेक्सा, राइट, एलेक्सा अमेजोन का एलेक्सा, सैमसंग का बिक्स भी, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स किसके आपके, ये डीप लर्निंग एग्जाम्पल्स है, क्योंकि आपके वॉइस ऑडियो, ठीक है, एआई बेस्ड आपते हैं आजकल, जैसे मिड जर्नी एआई आपने सुना होगा, ओपन एआई सुना होगा, कोड कंप्लीशन, ग्राफिक्स डिजाइन भी कर सकते हो आप सब चीज़ें, और एआई का जो आपको मैंने वीडियो दिखाया भी था जिससे मैं पाथ प्रोग्रामिंग के क्विजेस ले सकता हूँ,
राइट तो ये सब किस में आ रहा है, ये डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट है सारे के सारे, ठीक है। हम कैसे बोलते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे पहचानते हैं, रिकॉग्निशन, फेशियल रिकॉग्निशन। आप मेरे पाइथन पेजेस में जाइएगा, ठीक है, और उसके लिए फेशियल रिकॉग्निशन का आपको आपको मिल जाएगा, वीडियो सर्च कर लीजिए फेशियल रिकॉग्निशन का यूजिंग पाइथन, वो भी आराम से हो जाएगा। और बहुत सारे ऐप आपके इसमें प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल्स किसके, ये सब एग्जाम्पल्स हैं डीप लर्निंग के, क्योंकि ये ऑडियो वीडियो और क्या इमेजेस ग्राफिक्स पे काम करता है, जो कि मेरे रोज़ एंड कॉलम्स में नहीं आ सकता। लेकिन एक और बात बताऊं, आप अगर ग्राफिक्स अगर आपने पढ़ा है, कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ा है, तो आप ये कह सकते हैं कि आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना, और मैं चाहता हूँ आप मेंशन करिए कि ग्राफिक्स की जो फाइल होती है .bmp बिट मैप या .jpg जॉइंट पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है, तो ये जो फाइल्स होती है आपके, ये आपकी एक RGB फॉर्मेट में हो सकती है, राइट, कोडेड फॉर्म में हो सकते हैं, तो ये भी टेबल बन सकती है। पर वो टेबल रहेगी, वो जो डेटा रहेगा वो सिर्फ बिट्स का डेटा रहेगा, या आपके एस्काई कोड रहेगा, पर वो पिक्चर नहीं होगी, वो एस्काई कोड होगा पर वो पिक्चर नहीं होगी वो, राइट। तो मुझे पिक्चर से अगर फेशियल रिकॉग्निशन करानी है तो ज़रूरी नहीं कि मैं कोड को पकड़ूंगा, कंप्यूटर करेगा तो वही भेजूंगा पिक्चर, तो वो कोड ही निकालेगा और मैच करेगा विजुअली सिमिलर इमेजेस जो आप गूगल पे देखते हो। कर तो एंड में वही रहा है, लेकिन मैं उसको क्या फीड कर रहा हूँ, मैं उसको इमेज दे रहा हूँ, मैं उसको कोडेड फॉर्म में कुछ नहीं दे रहा, तो मैं उसको अनस्ट्रक्चर्ड डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यूज़र जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा प्रोवाइड करता है, या प्रोग्रामर जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब हो गया वो डीप लर्निंग के एल्गोरिथम या एप्लीकेशन एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम्स भी इसमें काफ़ी आती है, राइट। और हमारे पास मशीन लर्निंग तो है ही। तो अब आप इन दो स्लाइड से आप समझ के हो गए कि भाई डेटा का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, और स्ट्रक्चर्ड डेटा के ऊपर क्या काम करते हैं लर्निंग, मशीन लर्निंग, और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे डीप लर्निंग। तो क्या मेरी बात अच्छे समझ में आ गई? ये लाइक करना ना भूलना, अभी लाइक करो यार, वीडियो को समझ में आ गया तो है, पढ़ाई को समझ में आ गया, कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। हाँ ओके, देन फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब हम अभी से हम सिर्फ किसको पकड़ेंगे, मशीन लर्निंग, क्योंकि मैं आपको जो वीडियो बता रहा हूँ मशीन लर्निंग का बता रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई PPT से नहीं बता रहा, कोई बोरिंग लेक्चर नहीं हो रहा, मज़ा आया तो कर देना, ठीक है, क्या लाइक कर देना, सब्सक्राइब, बेल आइकन मत प्रेस करना मत भूलना, नहीं करना चाहते तो मत करो भाई, क्या करें, हैं तुम में से बीच में से निकला हूँ मैं, मेरे को नहीं करोगे, चलो मत करो, छोड़ो, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी श्रद्धा, करना है तो करना, नहीं तो मत करना, मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ देखा कोई मुझे याद कर रहा है, माय गॉड, पढ़ाते पढ़ाते ऐसा हो जाता है, मतलब तो मत करो लाइक, अब क्या करोगे। ओके, तो मशीन लर्निंग में मेरे पास कुछ प्रकार के, कई प्रकार के लर्निंग्स आती, तो मैं तीन प्रकार नॉर्मली जो हमारे पास होता है, एक होता है हमारा सुपरवाइज्ड, मैं इसको अच्छे से लिख दूं, सुपरवाइज्ड, फिर आता है अनसुपरवाइज्ड, और फिर आता है री इन्फोर्समेंट लर्निंग। कई बुक्स आपको ये भी बताएंगी, सेमी सुपरवाइज्ड भी बताती हैं, ठीक है, ना तो इसको डॉटेड लाइन से लिख रहा हूँ, क्योंकि ये जनरली नहीं माना जाता है, बट फिर भी कई लोग इसको सेमी सुपरवाइज कहते हैं, तो चार टाइप्स बोल देते हैं। तो सुपरवाइज्ड का मतलब हो गया कि भाई कोई ना कोई सुपरवाइजर बैठा है, मतलब मेरे पास जो डेटा है वो लेबल्ड है, उसकी लेबलिंग हो रखी है, लेबलिंग हो रखी है कि मतलब वो स्पैम है या नॉट स्पैम है, तो किस कैटेगरी में आ रहा है, उसके कुछ मतलब कुछ प्रॉपर्टीज होंगे, लेबल्ड डेटा होगा, तो उसमें हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया, अभी आपको बताता हूँ, चलो। और दूसरा आता है रिग्रेशन। दो टेक्निक, दो हमारे पास एल्गोरिथम्स टाइप के एल्गोरिथम्स आती है, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स और रिग्रेशन एल्गोरिथम्स। रिग्रेशन में लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, रिज रिग्रेशन, लासो रिग्रेशन, कई प्रकार के टेक्निक्स आती हैं, मैं उनमें नहीं जाऊंगा अभी, क्योंकि वो प्योर मैथमेटिक्स है, ठीक है, मैं अभी आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ जो सुपरवाइज लर्निंग का होता है, अभी एक एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा सारा चीज। अनसुपरवाइज में जो, उसमें भी डेटा होता है, भाई डेटा तो है पर वो नॉन लेबल्ड, उसकी लेबलिंग नहीं होती, वो डेटा क्या है, कैसा
कैसा, हम सिर्फ अनुमान लगाते, देख के सकते हैं कि ये ऐसा लग रहा है, ये शायद उसी का पार्ट होगा, हमें नहीं पता वो क्या है क्या नहीं है। तो इस तरह के मेरे पास अगेन मेरे पास आती है, इसमें हमारे पास एक ही बात आती है, वो आती है क्लस्टरिंग। इनकी बात मैं अभी नहीं करूंगा, बस रीइन्फोर्स में तुम समझ लोगे, सुपर मारियो गेम की तरह है। आप अगर सिस्टम सीख रहा है, अच्छा कर रहा है, तो उसको आप रिवॉर्ड सिस्टम समझ सकते हो। रिवॉर्ड आपके दो प्रकार के हो सकते हैं, पॉजिटिव रिवॉर्ड भी हो सकता है और नेगेटिव रिवॉर्ड भी हो सकता है, कि अगर सिस्टम ने कुछ गलत आंसर दिया तो आप उसको डांट लगाए कि ए सिस्टम तुमने गलत किया, ताकि उसको पता लग जाए कि यार जब यूज़र मुझे नेगेटिव रिपोर्ट दे रहा है तब इसका मतलब मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, या अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ सिस्टम को अगर मैं पॉजिटिव रिवॉर्ड कुछ दूँ तो बोलेगा वेरी गुड, वेल डन, ठीक है, शाबाश मेरे कंप्यूटर। तो वो हो गया आपका रिवॉर्ड सिस्टम। तो रिइंफोर्समेंट लर्निंग उस पर बेस्ड होता है। सेमी सुपरवाइज में कुछ डेटा लेबल्ड है, कुछ डेटा नॉन लेबल्ड है, बस ये एक मैं आपको बता सकता हूँ फिलहाल अभी, क्योंकि इसमें डीप में नहीं जाऊंगा मैं। तो कुछ नॉन लेबल डेटा, कुछ लेबल डेटा, दोनों का मिश्रण है, उसके ऊपर जो लर्निंग की जाती है वो रहती है सेमी सुपरवाइज लर्निंग। क्या बात क्लियर हो रही है, क्या समझ में आ रहा है? मैं एक बार चेक कर लूँ कि मैं आपको दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ। ओके, तो ये मेरा हो गया लर्निंग का फंडा। अब मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ ये क्लस्टरिंग क्या होती है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, रिग्रेशन क्या होता है, ठीक है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम उदाहरण देता हूँ कि जैसे एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, घर में छोटा सा बच्चा है मेरा, हाँ मेरा नहीं है, किसी के भी हो सकता है, मेरा नहीं है, राइट। इसमें छोटा सा बच्चा है, मैंने उसको बोला कि बेटा जाओ और किचन में जाओ, गो टू किचन, ठीक है। और मैंने बोला कि भाई किचन की स्पेलिंग सीख में लिख रहा है मैं, हाँ किचन, किचन में जाओ और जो जितने यूटेंसिल्स दिख रहे हैं, यूटेंसिल्स मतलब कौन से हो गए, बर्तन, उनको अलग करो, जो राउंड शेप्ड यूटेंसिल्स है मतलब जो गोल दिख रहे हैं उनको अलग करो, जो गोल नहीं दिख रहे, नॉट राउंड, ये राउंड शेप के और ये नॉट राउंड शेप, ठीक है। जो राउंड शेप है, जो गोल दिख रहे हैं उनको अलग कर दो, जो गोल नहीं दिख रहे उनको अलग कर दो, ठीक है। एक छोटा बच्चा है घर में, मैंने उसको बोला कि बेटा जा किचन में, जा किचन में जो बर्तन गोल दिख रहे हैं उनको अलग करके रख दे और जो गोल नहीं दिख रहे उनको अलग करके रख दे, क्लियर। अब इससे क्या हुआ, मैंने उस बच्चे को ये नहीं कहा, ध्यान से सुनिएगा, मैंने उस बच्चे को ये नहीं कहा कि जो वो बर्तन है वो बाउल है, कढ़ाई है, प्लेट है, हाँ गोल तो वही दिखते हैं ना। मैंने नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिया मतलब मैंने लेबलिंग नहीं की, उसको नामकरण नहीं किया उसका, मैंने कहा जो जैसा दिख रहा है उसको अलग कर दे, अगर गोल जैसा दिख रहा है तो अलग करो, गोल नहीं दिख रहा, स्क्वायर शेप में है, रेक्टेंगल में है, लंबा है कोई, ठीक है, चाकू है, चाकू गोल नहीं होता, तो उसको भी अलग कर दो। तो इस तरह की स्थिति को हम कहते हैं क्लस्टरिंग, क्योंकि इसमें लेबल्स नहीं होते, नो लेबल्स। और इसके ऊपर जो लर्निंग की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, अनसुपरवाइज लर्निंग, अभी बताया, ठीक है। तो इसके ऊपर जो लर्निंग की जा रही है वो कौन सी होती है, अनसुपरवाइज लर्निंग, क्योंकि कोई लेबल नहीं होते। लेकिन अगर मैं इनको नामकरण दे दूं बेस्ड ऑन नेम्स, अब मैं उसको कहते भाई कितने प्लेट्स हैं, ठीक है, फिर कितने क्या कहते हैं बाउल्स हैं उनको अलग करो, स्पून्स कितने हैं उनको अलग करो, तो अब ये क्या हो गए, लेबल्स हो गए, ये मेरे क्या हो गए, लेबल्स हो गए। तो इनके ऊपर जो लर्निंग मेरी होगी वो होगी सुपरवाइज लर्निंग, मतलब क्लासिफिकेशन, जितने टाइप से उनको मैं क्लासिफाई कर रहा हूं कि वो किस कैटेगरी में आ रहा है, मैं शब्द का क्या इस्तेमाल करूं, कैटेगरी, ठीक है। तो जहां पे कैटेगरी की बात आ रही है, जहां पे नाम की बात आ रही है, जहां लेबल्स की बात आ रही है, वहां पर मेरी होगी क्या, सुपरवाइज्ड लर्निंग, और जहां पे लेबल्स की बात नहीं होगी वो होगी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, वेरी गुड। तो अब हमारा ये तो हो गया फंडा, अब सवाल, तो अब ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन बता दिया,
क्लस्टरिंग बता दिया, लेकिन अब मैंने एक चीज नहीं बताई, वो है रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब हो क्या, रिग्रेशन आपने पढ़ा होगा, कोरिलेशन रिग्रेशन स्कूल में पढ़ा होगा, राइट। उसमें क्या होता है, रिग्रेशन होता है कुछ बढ़ना या घटना, मतलब कुछ निरंतर बढ़ रहा है या कुछ निरंतर गिर रहा है, मतलब ट्रेंड की बात। अगर मैं स्टॉक प्राइसेस की बात करूं, उसको प्रिडिक्ट करना है कि मेरे इस स्टॉक को मैंने खरीदा है तो ये कितने चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी नहीं कर रहा मैं, रिग्रेशन का बताऊंगा कि ये बढ़ेगा कि घटेगा। चांसेस तो चलो पता लग जाएगा, लेकिन कितना बढ़ेगा, कितने उससे ट्रेंड कैसे कर रहा है, ठीक है। आगे 5 साल बाद कितने अमाउंट पे जाएगा, अगर आज अगर कोई स्टॉक प्राइस किसी स्टॉक की कुछ प्राइस है, सपोज करें 100 रुपये एक शेयर का है, तो ये 5 साल बाद कितना होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। तो उस तरह के को हम ट्रेंड को निकालने को कहते हैं रिग्रेशन। तो ये भी चूंकि लेवल्ड डेटा पे काम करता है, तो ये भी मेरा सुपरवाइज लर्निंग हो गया। तो सुपरवाइज लर्निंग में क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, अनसुपरवाइज में क्लस्टरिंग। क्लियर हो गई बात, इन्हीं 3 चीज़ों पे हम काम करें, राइट। तो आई होप ये अभी तक इस वीडियो को मैं यहीं रोकूंगा, पार्ट 1 है मेरा। नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा आपको पाइथन के जो 3 कोड हैं वो समझाऊंगा मैं, ठीक है। सो वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इसको भी रोक रहा हूँ, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है इसलिए मैं पार्ट्स में इसको कर रहा हूँ, राइट। तो दिस इज माई पार्ट 1, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मेरे इसमें मिल जाएंगे, और एक मैंने लिंक और क्रिएट किया था बाय मी या कॉफ़ी, अगर आप लोग मुझे मॉनेटरी सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि देखो यूट्यूब से कमाई नहीं हो रही है, मेरे पास सिर्फ 2 बार पैसा आया है और वो भी कम कम ही आया है, और यूट्यूब अभी तक मतलब बहुत, यार अमेरिका तो वैसे ही आपको पता ही है, अमेरिका के अंदर तो वह यूट्यूब काम कर रहा है, तो भाई वो पैसा देने को राजी नहीं है, क्रिएटर्स को तो बिल्कुल नहीं देता, और मैं तो अभी चलो 1 लाख भी नहीं हुआ सब्सक्राइबर्स, तो अभी पैसा कम ही मिलेगा, तो तब तक कुछ सपोर्ट करिए, आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहा हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और आसान भाषा में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के जो अभियांत्रिकी के जो विषय हैं उनको पढ़ने के लिए, समझने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरी ऐप डाउनलोड करें सी फॉर योरसेल्फ, इसमें मैंने 3 कोर्सेज भी रख रखे हैं, फ्री टेस्ट भी रख रखे हैं, तो आप जाइए और इसको एक्सप्लोर करिए। ऊपर जो आ रहा है मेरा ना 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 ना, ओ बल्ले बल्ले कर रहा हूँ, देखो ऊपर मैं इशारा भी कर रहा हूँ, लिंक ट्री करके आ रहा होगा, ठीक है, Linktree/C4Yourself, उस पर जाएंगे तो आपको मेरी ऐप का लिंक मिल जाएगा, मेरा फेसबुक पेज मिल जाएगा, और मेरा नहीं मेरे चैनल का, आप लोग मुझे खोज सकते हो उसमें वहाँ से, एंड लिंकडिन पे भी आप मेरा नाम सर्च कर सकते हो आदित्य टंडन, तो लैंड यू कैन कनेक्ट विद मी। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है देन आई विल बी अवेलेबल फॉर यू, और बिना किसी हपड़ धपड़ के मैं वीडियो को एंड करता हूँ, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपने इस चैनल पे पढ़ा रहा हूँ और मैं कोई गाली वाली शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा, और आई होप, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी ऐसा कमेंट सेक्शन में ना करें, यूट्यूब तो चलो मुझे बचा रहा है गालियों से, लेकिन आप लोग भी ऐसा ना करें। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान के इस द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करें और सुखी रहें, है ना। चलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, धन्यवाद।